नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। सबसे पहले 24 घंटे बेगूसराय में आपको प्रदेश के मुख्य खबरों से अवगत करा देते हैं, उसके बाद हम बेगूसराय जिले की खबर को लेकर क्या प्रस्तुत करें। देश भर में सारी व्यवस्थाएं कोरोना को लेकर के काफी सतर्क है, क्योंकि दूसरी लहर से ही लोग हो रहे हैं हलकान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेशवासियों से की सहयोग की अपील। डॉक्टर, नर्स, पुलिस प्रशासन, सफाई कर्मी एवं सामाजिक संगठन पर जताया आभार। प्रदेश के 624 सेंटरों पर 18 से 44 वर्ष वालों को लगाया जा रहा है टीका। अब तक 79,238 लोगों को लगा दी गई है वैक्सीन। कोविड सेंटर में तैनात पर्यवेक्षकों, पुलिस कर्मियों के लिए बिहार सरकार का तोहफा मिलेगा, ₹400 से ₹600 तक प्रतिदिन दैनिक भत्ता। वर्षों बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने प्रदेश के सभी राजद विधायक को दिया सेवा का मंत्र, कहा क्षेत्र में जाकर लोगों की सेवा करें। बेगूसराय में निजी अस्पतालों पर चल रहे मनमानी पर जिला प्रशासन के तेवर हुए सख्त। स्वास्थ्य विभाग हरकत में, निजी अस्पताल के संचालकों में मचा हड़कंप। बीटी न्यूज ने दिलाया था जिला प्रशासन का ध्यान, ग्लोकल और निरामया अस्पताल को सो कॉज। बेगूसराय में 18 से 44 वर्ष के लोगों को लगाए जाने वाले वैक्सीन पर जिले भर में की गई तैयारियों की डीएम ने की समीक्षा, कहा सभी टीकाकरण स्थल पर हो कोविड-19 के प्रोटोकॉल का अनुपालन। शहर के ट्रैफिक चौक पर लॉकडाउन की उड़ा रहे धज्जियों, दो रेडीमेड दुकानों पर चला सदर एसडीओ संजीव कुमार चौधरी का डंडा, दुकान बंद कराकर चाबी भी कर ली जब्त। आपदा विभाग द्वारा शहर में चलाया जा रहा सामुदायिक किचन से लोगों को मिल रहा सहयोग, लोगों ने जिला प्रशासन के प्रति जताया आभार। बेगूसराय में युवा हुए सतर्क, वैक्सीन लगवाने के लिए 6-6 घंटे लगे लाइन में। 0 माइल में बालू लदे खराब ट्रक से देर रात टकरा गई पिकअप, चालक की हुई मौत, उपचालक का चल रहा निजी अस्पताल में इलाज। चालक दंडारी प्रखंड के बलहा निवासी रघुनंदन महतो का पुत्र लाल बाबू के रूप में बताया जा रहा। बेगूसराय में दिखा होमगार्ड जवान का खौफनाक चेहरा, अपने ही दामाद की हत्या कर लाश को गायब करने का लगा है आरोप। पूछने पर डीआईजी को भी जेब में रखने की दी धमकी। बेगूसराय के पचम्बा की घटना। बेगूसराय के बकरी में कोरोना वॉरियर सफाई कर्मी को नहीं मिल रहा 2 माह से वेतन, आर्थिक तंगी से हो रहे हैं परेशान। नगर पार्षद सिद्धेश आर्य ने बकरी एसडीओ को लिखा पत्र। मंसूरचक में कोरोना का कहर जारी, 26 नए मामले आए सामने, एक महिला की हुई है मौत, महिला आगापुर की बताई जा रही है। जिला प्रशासन द्वारा जीडी कॉलेज में सब्जी मंडी को स्थानांतरित करने से छात्र संगठन हुए नाराज, सब्जी मंडी को तुरंत बाजार समिति में स्थानांतरित करने की मांग। पीएससी भगवानपुर और नागकोठी में रैपिड एंटीजन किट से 200 लोगों की हुई जांच, एक एक संक्रमित पाए गए। बेगूसराय के बीरपुर में दिखा जिंदा इंसानियत की एक झलक, एम्बुलेंस नहीं मिलने पर पति पत्नी ने आगे बढ़कर बढ़ाया हाथ। बलिया प्रशिक्षु डीएसपी डॉक्टर रविंद्र मोहन प्रसाद का हुआ तबादला, संजय कुमार सिंह बनाए गए नए थानाध्यक्ष। प्रशिक्षु डीएसपी के तबादले से चर्चाओं का बाजार है गर्म, दवा माफिया पर फिलहाल की थी दबिश। जिले भर के डीलरों के हड़ताल से उत्पन्न हो गया है लोगों के बीच खाद्यान्न संकट, मई माह का भी खाद्यान्न नहीं हो सका है वितरण। शाम हो पीएससी के चिकित्सा प्रभारी संतोष कुमार झा ने स्वास्थ्य प्रबंधक, बीसीएम और 2 ANM के वेतन पर लगा दी है रोक, कहा कर्तव्यहीनता महामारी में बर्दाश्त नहीं। बेगूसराय के पॉलिटेक्निक कॉलेज अवस्थित कोविड सेंटर में चिकित्सक की मनमानी से परिजन हो रहे हैं परेशान, न्याय की लगाई जिलाधिकारी से गुहार। तो ये थे अब तक के 24 घंटे में हुए घटना पे आधारित बेगूसराय जिले में समाचार। तो आप बने रहिएगा बीटी न्यूज बिहार के साथ। नमस्कार।